सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं बसवराज स्वामी, न्यू शो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। आज 5 सितंबर टीचर डे के अवसर पर सभी शिक्षक गणों को मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ऐसा ही हमारे बसवराज के माजी MLA MG मोले साहब का भी बर्थडे है और हमारे उन्नति में, प्रगति में उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। मैं उनको भी इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस आप लोगों को बुलाने की वजह है, हमने जून 10 तारीख को एक बैठ दिया था बेकिन न्यूज में और अदर न्यूज में, राजमाता जिजाऊ नगर में ओपन प्लाट सेल के लिए हमने जब अपील की थी, उस अपील के बाद लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारे पास। हैज़ ऑन डेट 150 ओपन प्लाट्स बुक हो गए। उसके बाद हमने विचार किया कि 122 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और 1 प्रेयर रूम और 10 बेडरूम का पार्किंग और इंडिपेंडेंट बोर्ड 19,51,000 में देने का डिसाइड करके हमने वो प्लान अप्रूव करे। वो प्लान इस तरह है और एक ही मॉडल बनता है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के प्लाट्स है और ये 2 ईयर में हम प्रोजेक्ट बनाने का योजना दी है और दिस प्रोजेक्ट अंडर रन बाई रेरा। सभी कानूनी तौर पर हर इसी इसका परमिशन लेकर हम घर बनाने का एक प्लान आप पब्लिक के सामने रखे हैं और इसमें हमने कुछ काम भी डिस्टर्ब किए हैं और इसमें और एक अहम डिसीजन ये लिया कि 120 घर बनने का पूरा कामगार लोकल मिस्त्रियों को और लोकल हमारे कामगारों के भाइयों को देने के लिए डिसाइड किया गया है। कोई बाहर का लेबर नहीं रहेगा, लोकल रहेंगे हमारे। ये जिम्मेदारी है हमारे आमिर खान को, आमिर खान ही उसके जिम्मेदारी है। उनको सेलेक्शन करना, उन्हें टीम को रेडी करना और पूरा मेटेरियल परचेस करने का जिम्मेदारी है हमारे आदमी मित्र मिराज खान और हमारे पार्टनर और हमारे आदमी मित्र मुजीब खान हमारे पार्टनर, ये दोनों को ऑल मेटेरियल परचेजिंग का जवाबदारी दिए हुए है। ये न्यूज़ देखेंगे, किसी भी कंट्री करना है मेटेरियल के बारे में या काम के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में कंट्री करना है तो आमिर खान से करना और मेटेरियल बारे में करना है तो मुजीब खान से या मिराज खान से करना। इसके बाद अलावा हाफी सेल से जो काम्स है हमारे किरण और सतीश वो देख लेंगे। ये 2 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का हमारा प्लान है और राजमाता जिजाऊ नाम रखने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ ने अपने पुत्र शिवाजी को बहुत अच्छे संस्कार देकर एक राजा का अवधि तक पहुँचाए थे। हर घर में राजमाता शिवाजी कैसा पुत्र, उनका एक मार्गदर्शन होना और उनका एक मार्गदर्शन में अच्छा कॉलोनी बनना, ये उद्देश्य हम ये नाम रखो ये करें हैं। और इसमें एक डीमार्ट 6 प्लाटों में, एक हॉस्पिटल और राजमाता जिजाऊ का एक स्टैचू और हमारे शिवाजी महाराज स्टैचू और एक बॉयज रेजिडेंशियल हॉस्टल, ये पूरे प्लान के साथ हम कंप्लीट किए हैं। सभी लोगों को हमारे अपील है कि आप बसो कल्याण में मदीना कॉलोनी, गंगा कॉलोनी, शेरिका कॉलोनी कहाँ भी लिए तो 20+ का प्लाट रेट है। यहाँ हम 19,51,000 में घर दे रहे हैं, जस्ट फ्रॉम 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम गांधी चौक टू जिजाऊ नगर, स्टेट हाईवे को अप्रोच है। जो एक सिंगल कर्मचारी है सरकारी, उन्हें प्लाट लेना बहुत हाईली इम्पॉसिबल है और इसमें हम बैंक से, बैंक का भी हम लोन का फैसिलिटी भी रखे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के अंडर लिए तो उसको भी कुछ सब्सिडी है 2-2.5 लाख। ये सब हम करने का सपना यह है कि हर आदमी का एक घर रहना, हर आदमी के परिवार में एक सुख शांति रहना, समृद्धि रहना। हम डिस्टेंस 4 किलोमीटर अगर नहीं सोचेंगे तो वहाँ घर बन सकता 20 लाख में। हम कंपेयर करें हैदराबाद सिटी, गुलबर्गा सिटी, बिदर सिटी में 10-10 किलोमीटर तक कॉलोनी जॉइनफुली बड़े हुए हैं और ये आने वाले 10 साल के अंदर बसो कल्याण जिला होने वाला है। ऑलरेडी हमने एक टीम की है कि बसो कल्याण नागरिक संघ की तरफ से MLA के साथ अभी हमारे शरण सलगर के नेतृत्व में और हमारे माजी MLA मल्लिका खुबा के नेतृत्व में एक टीम जाकर CM को अपील करने वाले हैं कि जिला ये कभी भी हों दे, आप जो देने की, जो जिला बनने के लिए जो सहूलत है वो डिक्लेयर करो, 10 साल बाद होंगे या 5 साल बाद होंगे, ये तो काम करने का हमें प्लान किया है। ये बसो नागरिक समिति एक टीम बना को हम जाने के लिए विचार किए हैं और आने वाले दिनों में जिला होने के बाद कोई दूर नहीं रहता और हमारा बसो का एरिया जियोग्राफिकली बढ़ना, एक ही जगह कॉम्पिटिशन नहीं होना,
ये उद्देश्य मैं इससे पहले बोला था, बीके न्यूज में प्रेस मीट दिया था कि सराउंडिंग 10 किलोमीटर के अंदर आप कहीं प्लाट लीजिए बिल्कुल। तो आज हमें जिजाऊ नगर पब्लिक के और पशु कल्याण नागरिक के लिए और कर्मचारियों के लिए ये हम उनको सेवा में उसको लॉन्चिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इससे अच्छे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सपना है कि हाउसलेस को भी नहीं रहना, ये उद्देश्य हम आए हैं और 120 घर रहे और ये बहुत बड़ा काम है और हम उतने बड़े नहीं हैं, फिर भी हम ग्रुप बना कर उसे लिए, हमारे सिंडिकेट उसको हम लॉन्च किए हैं। और मैं आप लोगों के बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके जो टीवी बैठ जो बैठ के बाद बहुत लोग मेरे को रेस्पॉन्स आया, बहुत लोगों को फ़ोन आया, समझो लोग प्लाट ले लो मगर फ़ोन पे पूछे बात करें। और आने वाले जनवरी में बहुत बड़ा एक पैमाने में इसका हम एक लॉन्चिंग करने वाले हैं इसका कन्वर्शन होने के बाद, और उस टाइम पे एक कोई बड़ा लीडर नेता बोला को उसको करना, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है समझो, पब्लिक सेवा में है। और हमारे पूरे ग्रुप का ये उद्देश्य है कि बसों कल्याण जनता के लिए हमारे न्यू शो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अच्छा सर्विस देना, क्वालिटी देना, ये उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं और आगे हम काम करेंगे। लोगों का बहुत बड़ा हमको तावन मिला, सहकार मिला और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आने वाले दिनों में भी उनका विश्वास को हम ऐसी बरकरार रखो जाने की हमारे कोशिश रहेंगी। जय हिंद, जय कर्नाटक। इस टाउनशिप में क्या क्या फैसिलिटी रहेगा सर? टाउनशिप में 2 BHK का जो घर है, इंडिपेंडेंट हाउस है, 2 बेडरूम में खाल, 1 किचन विद बोर पार्किंग और एक ही साइज करेंगे। और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक डीमार्ट बना रहे, डीमार्ट का एक फैसिलिटीज है जो भी परचेजिंग करने का है, जो किराना क्यों भी है, और एक हॉस्पिटल है और एक स्कूल के लिए बोल रहे, मगर अभी कोई हमको आपस नहीं हुआ समझो, स्कूल खोलो बोल रहे। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वालिटी स्कूल के लिए अलग स्कूल में डालते रहते, कोई कह नहीं रहे, कोई आए तो उसको फैसिलिटीज देंगे उसको। और हर घर को इंडिपेंडेंट बोर है, अच्छे टार रोड देंगे, लेट फैसिलिटीज है समझो, नहीं पार्क, ये गरीबों के लिए आम आदमी का सपना, ये घर मेरा अपना है। आम आदमी के लिए स्विमिंग पूल आवश्यकता नहीं रहता, ये स्विमिंग पूल की आवश्यकता है तो वो थोड़ा वो रिच समझो, हर रेंज में होता। ये किस साइज में बनाया जाएगा? 30-40 का साइज है, 9x12 में 950 स्क्वायर मीटर आएंगे समझो, उसको स्क्वायर फीट में ऐसा एरिया आएगा। कितना रहेगा बुकिंग अमाउंट? 2,51,000 टाइम है, फाउंडेशन 5 लाख और स्लैब के टाइम पे 5 लाख। रिमेनिंग अमाउंट अगर वो एलिजिबल है लोन के लिए तो उनका पेपर्स दिए तो हम उनको लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे महमत बात, बैंक के मैनेजर ने हमको एडवाइस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आप लोन लेंगे साहब तो उसमें कुछ सब्सिडी है बोले, वो सब्सिडी मिल गया है तो 16-17 लाख में से होता समझे उसको। और ये ऑल कम्युनिटी के लिए है, हम नाम रखे समझे जेजा माता का, इसमें कोई ये नहीं समझो, कास्ट नहीं समझो। हमारे पास जो प्लाट बुकिंग करे ऑल कम्युनिटी बात करें, माइनॉरिटी लोग करें समझो, मराठा लोग करें, लिंगायत लोग करें, हमारे स्वामी लोग तो 90% करें समझो, इसके नहीं समझो। हमारी एक ही दृष्टि है कि बसों कल्याण का एरिया जॉरिफुली बढ़ना और लोगों को कम रेट में प्लाट मिलना, कम रेट में घर मिलना, क्वालिटी मिलना। आज देख रहे हम कोई बॉन्ड के ऊपर प्लाट लेता तो फैसिलिटी नहीं रहती, प्लाट बॉन्ड के ऊपर देना भी अफेंस है, लेना भी अफेंस है। अब जिस टाइम पे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आएगा वो आएगा, उसके बारे में हम कमेंट करना नहीं चाहते, पर आज ही बोलते मैं कि जो भी लेना है तो आप पेपर्स देखो और वहाँ का एरिया का देखो, सब देखो, लेना जरूरी समझो। सर टोटल 120 घर वहाँ पर बना जा रहा है, अभी तक इसमें कितने बुक हो गए हैं? सब 6 बुक हो गए, लॉन्चिंग से पहले 6 बुक हो गए, हम कोशिश करें समझो। अभी इसके बाद तो हम चालू करेंगे काम।